हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना कुख्यात गैंगस्टर सुबे गुर्जर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के नजदीक से स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की टीम ने गैंगस्टर सुबे गुर्जर को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर सुबे गुर्जर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण और फिरौती सहित 30 से अधिक मामलों आरोपित हैं। कई संगीन मामलों के चलते गुरुग्राम पुलिस ने 5,00,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पिछले कुछ सालों के दौरान जितनी भी वारदात गुरुग्राम और आसपास के इलाके में हुई, अधिकतर में गैंगस्टर सुबे गुर्जर ही आरोपित बताया जा रहा है। वहीं एसटीएफ की टीम ने गैंगस्टर गुर्जर को रेवाड़ी अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि पुष्पांजलि अस्पताल में 1 साल पहले गोली चलाई गई थी, उसमें भी गैंगस्टर सुबे गुर्जर आरोपित था। अपनी वारदातों के चलते हरियाणा सहित कई राज्यों की पुलिस के लिए गैंगस्टर सुबे गुर्जर सिरदर्द बना हुआ था। फिलहाल सुबे गुर्जर को हरियाणा का सबसे कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है। हत्या के प्रयास, फिरौती, रंगदारी, लूट सहित कई मामलों के लिए कुख्यात गैंगस्टर सुबे गुर्जर को पकड़ने के लिए पिछले कई सालों से गुरुग्राम पुलिस क्राइम ब्रांच की सभी टीमें लगी हुई थी। उसके 4,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इससे पहले फरवरी 2019 के दौरान उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई थी, तो स्वजन ने स्टे ले लिया था। सुबे गुर्जर की प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए मार्च महीने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन गैंगस्टर के खौफ से उसकी प्रॉपर्टी का खरीदार सामने नहीं आया था। ऐसे में अधिकारी वापस लौट गए थे। पिछले कुछ सालों से गांव बाड़गुर्जर निवासी सुबे गुर्जर का गुरुग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में आतंक है। टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में सुबे गुर्जर का नाम सबसे ऊपर था। इसके पीछे स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी लगी हुई थी। कुख्यात गैंगस्टर सुबे सिंह, जो कि सुबे गुर्जर के नाम से फेमस था, के खिलाफ गुरुग्राम सहित आसपास के जिलों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2018 के दौरान गांव मानेसर निवासी सुमेर यादव नंबरदार की हत्या में भी उसकी भूमिका सामने आई थी। इससे पहले गांव ततारपुर के पूर्व सरपंच संजय प्रधान की हत्या में भी सुबे गुर्जर का ही नाम सामने आया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। सबसे बड़ा शातिर बदमाश था सुबे गुर्जर। 5 सालों उसे पकड़ा नहीं जा रहा था। उसको एसटीएफ गुड़गांव की यूनिट ने आज गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इसको हमने एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गिरफ्तार किए हैं, हमारी टीम ने किया है, इंस्पेक्टर वरुण और उसके टीम ने। ये कौशल के पकड़ा जाने के बाद जो गैंग है उसका जो कमांड है ये संभाल रहा था, और काफ़ी लोगों को धमकी देता था, पैसा भी फिरौती भी लेता था। कुछ लोग हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाए हैं जो अपने नॉलेज में, कुछ लोग मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते थे और वो पैसा चुपचाप देते थे। और इसके अलावा जो मेन केस जो हुआ था, जो रेवाड़ी में जो पुष्पांजलि पे जो गोली कौशल के लड़कों ने चलाई, उसका भी उस पर भी इसका नाम उछला था। इसके अलावा 6 मर्डर्स इसने करवाया है। जो अनिल पंडित और ये जो चंद्रपाल है, वो जो इसके साथिया है, उनके साथ मिलके इसने 6 मर्डर्स करवाए हैं। महेश अटैक का जो हत्या हुआ था गुड़गांव में, उसके बाद ये भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद ये कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसके बाद इसने एक गिरदावर का मर्डर किया है, एक राजस्थान में एक किलू जाट करके एक आदमी को मर्डर किया है, और इसके अलावा पवन नाम भी उसका मर्डर किया है। तो ऐसे 6 रिसेंटली देखी जाए तो एक पालम विहार में एक चंद्रपाल के घर पे इसने गोली चलवाई है। और ये इसकी हिस्ट्री से, और आप जो लिस्ट दे देंगे कितने क्या क्या केसेस हैं इसके खिलाफ, और काफ़ी केसेस दर्ज भी नहीं है। तो इसको हमने आज गिरफ्तार किया है और इसको रेवाड़ी के कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका रिमांड लिया है, और इसकी 6 तारीख तक रिमांड मिली। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।